वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। आज हम 8th क्लास हिंदी का चैप्टर 2 देखते हैं, विनम्रता का क्वेश्चन नंबर 1। सही जोड़ी बनाइए, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है सही जोड़ी बनाइए, ठीक है। दोनों कॉलम को आपस में मैच करना है। सुसंस्कृत, सुसंस्कृत मीन्स होता है अच्छे संस्कार वाला। सामंजस्य मीन्स होता है औचित्व। दंभ, दंभ मीन्स होता है अभिमान। आचरण का आ जाएगा व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्प से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए हैं, जो रिक्त जगह है वहाँ पर उन्हें फिल करना है। दिन याचक होता है जबकि दाता विनम्र होता है, ठीक है। डैश 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 चरित्र का सद्गुण है, किसका? विनम्रता का। यदि हमारे लिए कोई कष्ट उठाकर काम करता है तो हमें उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना चाहिए, ठीक है। विनम्रता डैश डैश की पोषक है, विनम्रता डैश डैश की पोषक है, जीवंतता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अति लघुतरी प्रश्न, विनम्रता शब्द का अर्थ बताइए। विनम्रता शब्द का अर्थ है अच्छा व्यवहार। विनम्रता शब्द का अर्थ है अच्छा व्यवहार। विदु के व्यवहार से वीरेंद्र क्यों प्रभावित हुए? विदु के व्यवहार से वीरेंद्र उसकी विनम्रता से प्रभावित हुए। बड़ों को बुलाने पर किस तरह उत्तर देना चाहिए? बड़ों के बुलाने पर जी हाँ जी आया, इस तरह का उत्तर देना चाहिए। सफलता की गारंटी किसे कहा है? सफलता की गारंटी विनम्रता को कहा है। सफलता की गारंटी विनम्रता को कहा है। क्वेश्चन नंबर 3, लघुतरी प्रश्न, विराट और विदु के व्यवहार की तुलना कीजिए, ठीक। इन विराट और विदु की तुलना करना है, ठीक है। विराट और विदु के व्यवहार एक दूसरे के विपरीत हैं। विराट के व्यवहार में शिष्टता और विनम्रता नहीं है, वह दम्भी है, इसलिए वह प्रशंसा का पात्र नहीं है। इसके विपरीत विदु के व्यवहार में शिष्टता और विनम्रता है, वह दम्भी नहीं है, अपने इस सद्गुण के कारण वह प्रशंसनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनम्र व्यक्ति की पहचान कैसे होती है? विनम्र व्यक्ति की पहचान उसके सद्व्यवहार से होती है। वह अपने से बड़ों छोटों के प्रति यथोचित आदर सत्कार और प्यार के भावों को प्रकट करता है। इस प्रकार वह बिना किसी भेदभाव के सबकी गरिमा और भावनाओं का समुचित सम्मान करता है। समुद्र में बाढ़ क्यों नहीं आती है? स्पष्ट कीजिए। समुद्र में बाढ़ नहीं आती है यह इसलिए कि समुद्र अपनी सीमा में ही रहता है, वह अपनी सीमा से कभी भी बाहर नहीं आता है। इस प्रकार अपनी सीमा में ही वह रहकर नदियों के पानी को समा लेता है। यह वह अपनी विनम्र अनुशासन की विशेषता के कारण ही कर लेता है। दिन याचक होता है जबकि विनम्र दाता, इसका असर स्पष्ट कीजिए। दिन याचक होता है जबकि विनम्र दाता, इसका असर यह है कि दिन व्यक्ति में अपनापन की भावना नहीं होती है, वह स्वार्थी होता है। इसके विपरीत विनम्र व्यक्ति में अपनापन होता है, वह प्यार बांटता है, परस्पर मेल मिलाप का वातावरण तैयार करता है। वह किसी से कुछ मांगता चाहता नहीं है, वह तो अपने सद्व्यवहार से अपने संपर्क में आने वालों को अपने सद्गुणों को बांटता ही रहता है।